नेता नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता इसकी। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब बस अब ये वाले गेम प्ले में जो उतार चढ़ाव देखने को मिले, मतलब कसम से यार एक पल के लिए लग रहा था कि भैया हम अभी के अभी सबके सब मर जाएंगे, लेकिन भैया हर बार सर्वाइव कर गए हम। एंड यहाँ की खासियत यह है कि भाई साहब ये वाले मैच में जो जोन बना था वो पोचिंकी से स्टार्ट हुआ था और भाई साहब खत्म भी पोचिंकी पर हुआ। मतलब पोचिंकी आई लव पोचिंकी। खैर छोड़ो, बहुत हो गया। अब फिलहाल यहाँ पे जो है दो चार घरों में जब गन नहीं मिली तो भैया हमने थोड़ा एस के एस उठाई और भैया सबसे पहले बोट को पेलने चले गए, क्योंकि भैया बोट है तो मतलब उसके पास गन है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना यार। Enemies ahead. कैरर इस पे से मिली हमको M4 और भैया अब कर दिया हमने एक स्क्वाड पे रश, जो कि हमारे साउथ ईस्टर्न साइड में थी पोचिंकी में। तो यार इनके दो बंदूक हमने उड़ा दिया था, बाकी के दो बचे थे ऊपर टीपीपी ले रहे थे। तो मेरा टीममेट गया रश करने तो मुझे पता था भैया वो जो है वहाँ पे टीपीपी लेंगे मेरे बंदों पे। तो भैया हमने थ्रो कर दिया नेड और भाई साहब यहाँ पे बंदूक बाज की गाली पे ध्यान मत दो, हमने इनको पील दिया है। खैर अब क्योंकि यहाँ पे तो बंदा बचा था नहीं तो भैया हम निकले यहाँ से गाड़ी लेके अपनी प्यारी प्यारी पोचिंकी से बाय बाय करके उसको। लेकिन भाई साहब पूरे मैच में घूमने के बाद जब बचे कुल 30 लोग और एक छोटा सा सर्कल था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, तो उसके बाद देखिए हमको लाल घर में कुछ बंदे। और भाई साहब इनका भी कर दिया हमने कबाड़ा, मतलब बहुत बाल बाल बची वैसे हमारी टीम यहाँ पे। और सही यूज़ करना चाहिए आपको जो है M249 का, फ्री फायर बहुत कमाल का होता है इसका। मतलब बस करते रहो जो आ गया मतलब लपेट दो सबको। खैर वहाँ पे जो है अब मेरी किस्मत अच्छी थी भैया, वहाँ पे मेरी वजह से टीम बच गई। लेकिन आगे भैया बहुत सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जहाँ पे भैया मतलब मैं मरते मरते बचा लेकिन टीम ने वहाँ पे भाई बहुत हेल्प कर दी। खैर ये वाले कंपाउंड में आए हम होल्ड करने के लिए और हमको पता था कि भैया यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आने वाले होल्ड करने के लिए, बिकॉज ये एक आखिरी घर था जोन के अंदर। नहीं मतलब एक अच्छा घर था जोन के अंदर। और यार ये टीम आई भी थी यहाँ पे जो है होल्ड करने के लिए, लेकिन हम ऑलरेडी एक सेकंड पहले यहाँ पे आ चुके थे तो भैया इनको रास्ते में हमने ढेर कर दिया। खैर उसके बाद पटक पटक हो रही थी बार, मतलब कार 98 चल रही थी और हमारे पास तो भैया हमको आपको पता होगा कार 98 इतना पकड़ते नहीं हम, तो हमारे पास तो थी भैया सिर्फ क्लोज रेंज गन। तो हमने सोचा चलो इनको जो है क्लोज में लपेटते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने देखा कि भैया थोड़ा 3x से कुछ हो सकता है, लेकिन भैया M249 3x यहाँ तो इतना चलता नहीं है। तो हमने सोचा चलो क्लोजिंग करते हैं इनको। तो अब मैं समझा मेरी टीम मेरे पीछे है और भैया हमने कर दिया सामने वाले घर पे रश। मतलब रश क्या किया, हम जस्ट ऐसे मतलब लोकेशन देखने के लिए गए थे कि बंदे चलो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन तुमको पता भाई आखिरी जोन है और 20 बंदे बचे थे, कौन कहाँ पे वो पता नहीं था कुछ भी। और यार उससे पहले कि मुझे कुछ पता चल पाता यहाँ पे भाई साहब हमारा हो गया था काम खलास। तो यार यहाँ पे छोड़ चुके हैं हम टोटली, होप छोड़ चुके थे लेकिन भैया बच गए, मतलब बहुत मुश्किल से बच गए। मतलब अब जब उसने मेरे को मारा तो मुझे लगा कि भैया अब तो मैं गया, तो मैं फिर भी थोड़ा सा बचने की ट्राई किया और इतने में टीम आ गई भाई, मतलब बाल बाल बचे वहाँ पे। खैर उसके बाद भाई साहब इस तरफ से दो टीमें लड़ रही थी तो हमने सोचा कि एक टीम पर हम थर्ड पार्टी करते हैं, तो ये वाली टीम थी वो जिस पर हम करने वाले अभी थर्ड पार्टी। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जो प्यारी प्यारी हरकतें उनको अंजाम दे पाते, ये टीम ने हम पे ऑलरेडी रश कर दिया था, हमारे एक बंदे को भी नॉक कर दिया। लेकिन भाई साहब इतने पे हमने भी इनका नॉक कर दिया एक। अब बचे थे इनके बाकी के बंदे, मतलब एक ही बंदा बचा था। और भाई साहब ये तो अजूबा था भाई, मतलब सर पकड़ के लेटा हुआ था मेरी तरफ, मतलब सर करके। तो खैर इनको आराम से पेला हमने यहाँ पे और उसके बाद रोड साइड चले गए थे, तो दूसरी साइड वाले बंदे थे रोड साइड मानी यानी कि इस साइड आ गए थे। तो हमने बोला चलो भैया वैसे भी गेम अच्छा जा रहा है और किल भी अच्छे जा रहे हैं, तो पोचिंग की भी है ऊपर से, तो भाई साहब ऊपर से M249 भी है तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो हमने कर दिया इस बंदे पर रश। अब यहाँ पर देखना फ्री फायर, तो मुझे पता था भाई साहब कि ये बंदा जो है
यहीं पर टीपी भी ले रहा होगा, इसलिए हमने प्री फायर किया और पेल दिया उसको। एंड जो सामने वाले घर में जो टीम थी उन पे भी एकदम किसी ने रश कर दिया, हमने भी जो है फ़ायदा उठा लिया, किल बटोर लिए। एंड उसके बाद एक और टीम दिखी हमको, एंड वो भी गए, ये भी गया, और इसका आखिरी बंदा बचा, एंड वो भी गया। तो भाई साहब मतलब सब कुछ हमारे हिस्से में जा रहा था इस वाले मैच में, मतलब जो हम सोच रहे थे वही हो रहा था। एंड जैसे हमने आंखें खोल के देखा तो भैया सिर्फ बचे थे 4 बंदे अलाइव और किल हो चुके थे 19। तो भैया हम ढूंढने लगे आखिरी वाले बंदे को एकदम पटक पटक से, मतलब एंड वो भाई साहब मिले हमको उस तरफ, क्या बताएं आपको। एंड फाइनली गाइस चिकन डिनर, कह रहे मज़ा आया होगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटी सी क्लिप आ गई, आप इंजॉय कर सकते हो। Yeah.